हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम साइज 23 इंच सूट सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है, कपड़े की सीधी साइड हमने नीचे रखी है। फिर हमने गले की पट्टी ली है और यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हमें इस गले की पट्टी को रखना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगी। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग करी थी, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से इस सूट की कटिंग करी है। और वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने साइड में देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे और बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगी। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और एक बी सेंटर पर कट लगा देंगे। और कट लगाने के बाद यहाँ पर हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। तो अब हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको अच्छे से बराबर रखेंगे और रखने के बाद एक बीच में निशान लगा देंगे। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। फिर हम गले की पट्टी को लेंगे और दोनों कट को एक बराबर रखेंगे और सबसे पहले हम बीच में सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने से क्या होगा कि जो हमारी गले की पट्टी है वो इधर उधर भागेगी नहीं। फिर हम इस तरह से गोलाई में सिलाई लगाएंगे आधी तरफ से। तो यहाँ पर हमने आधी साइड में देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के इस तरह से कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद हमें जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ पर कट लगाएंगे। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हमें बड़ी लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आगे वाला गला सिलकर तैयार हो गया है, देखिए इस तरह से। और सेम ऐसे ही हमने पीछे वाला गला तैयार करा है। पीछे वाला गला हमारा आगे वाले गले से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें शोल्डर सिल लेने हैं। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे और सफाई के साथ धागे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे देखिए शोल्डर भी सिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। दोनों पल्ले हमें एक बराबर रखने हैं और जहाँ पर हमारा निशान है उसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है। जहाँ पर हमारा कटा है वहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। फिर हम सूट को घुमाएंगे और डबल सिलाई लगाएंगे। तो हमारी देखिए एक तरफ से सिलाई लग चुकी है। तो सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है, तो हमारी दोनों तरफ से सूट की फिटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो कट लगाया था उतना फोल्ड करेंगी और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगी। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है, तो सेम ऐसे ही हम दूसरे पल्ले में भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले में भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, चाक सिलेंगे, कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से चाक सिल दिए हैं, तो सेम ऐसे हमें दूसरी तरफ भी चाक सिल लेने हैं फोल्ड करके। तो यहाँ पर हमारे दूसरी तरफ भी चाक सिल चुके हैं, देखिए इस तरह से। और नीचे की तरफ देखिए हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू ली है और बाजू में जो हमने अलग से पट्टी कटिंग करी थी उनको इस तरह से रखना है, और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। जो हमारी पट्टी है उसकी सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगानी है। फिर हम इसमें एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से पट्टी को सिल दिया है, सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी पट्टी को सिल लेंगे। यहाँ पर भी हमें दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू में देखिए दो पट्टी सिली है साइड में। तो अब हम दूसरी बाजू लेंगे और इसमें भी हम इस तरह से पट्टी को सिल देंगे साइड में दोनों तरफ से। तो हमने देखिए दोनों तरफ से पट्टी को सिल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। जितना हमने मार्जिन लिया है उतना ही हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों बाजू में नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बाजू को लेंगे और सूट में सिलेंगे। तो जो हमने बाजू में कट लगाया है वो कट हमें शोल्डर के बीचों बीच रखना है, और जो हमने साइड में कट लगाया है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू को सिल दिया है। इसमें देखिए हमने एक सिलाई लगाई है,
तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने डबल सिलाई भी लगा दी है। तो अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। बाजू की मोरी हमारी 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और सिलाई हम डबल लगाएंगे। और शर्ट में हमें सफाई के साथ कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी एक बाजू सिल चुकी है, देखिए इस तरह से। तो सेम ऐसे ही हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने देखिए दूसरी बाजू को भी सिल दिया है। तो हमारी देखिए दोनों बाजू सिल चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ डोरी सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी डोरी भी सिल चुकी हैं और इस तरह से हमारा सूट सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।